हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यदि आप 12th की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बहुत अच्छा तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरी डिटेल्स में हर सब्जेक्ट की तैयारी कराऊँगा। आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बायोलॉजी का है। जो 12th का बायोलॉजी चैप्टर है उसका मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको कंप्लीट क्या कराऊँगा तो बेसिक्स कुछ जानकारी जो है मैं देना चाहूँगा, क्योंकि ये बेसिक्स जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक जानकारी से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि जीव विज्ञान जो है इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जीव विज्ञान को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, एकदम इजी से इजी तरीका बताने जा रहा हूँ। तो जीव विज्ञान का जो इंग्लिश होता है वो होता है आपका बायोलॉजी, और बायोलॉजी जो है वो आपका दो शब्दों से मिल के बना है। पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द जो है वो है आपका लोगोस। बायोस का मतलब होता है क्या, तो लिविंग। बायोस का मतलब होता है लिविंग, और लोगोस का मतलब जो होता है वो होता है आपका टू स्टडी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। मतलब लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब इसको हम हिंदी में कैसे परिभाषित करें मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। लिविंग का मतलब होता है सजीव, और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। मतलब आप सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। मीन्स आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से बायोलॉजी को परिभाषित कर सकते हैं। तो बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। यहाँ पे जो है लिविंग थिंग के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अगर इसको हिंदी में आप परिभाषित करते हैं तो सजीव के अध्ययन को जो है हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो आपके अरस्तु जी है। जीव विज्ञान के जो जनक है वो कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु जी है। इनको इंग्लिश में जो है एरिस्टोटल कहते हैं। और अरस्तु जी सिर्फ जीव विज्ञान के जनक नहीं है, ये जो है आपके प्राणी विज्ञान के भी जनक है। प्राणी विज्ञान के जनक है, और प्राणी विज्ञान को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। ठीक है, तो प्राणी विज्ञान के जनक भी जो है वो कौन है, तो प्राणी विज्ञान के जनक जो है वो भी आपके अरस्तु जी हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके ये भ्रूण विज्ञान के जो जनक है वो भी कौन है, तो भ्रूण विज्ञान के जनक जो है वो आपके अरस्तु जी है। और भ्रूण विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं भ्रूण विज्ञान को, इंग्लिश में जो है एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और इसके भी जो जनक है वो कौन है, तो अरस्तु जी ही है। मतलब आपको ध्यान ये देना है कि जीव विज्ञान का परिभाषा क्या है, तो इसको देने का बहुत ही आसान तरीका है कि बायोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटा गया है, बायोस और लोगोस। मतलब बायोलॉजी शब्द जो है वो आपको दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग थिंग के बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। हिंदी में इसका परिभाषा कैसे देंगे, तो लिविंग का मतलब होता है सजीव, और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। सजीव के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु जी जो है वो जीव विज्ञान के जनक है। इसके अलावा ये प्राणी विज्ञान के जनक है, प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है, इनके भी जनक जो है अरस्तु जी है। और भ्रूण विज्ञान किसको कहते हैं, तो भ्रूण विज्ञान यहाँ पे किसको कहते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दें कि भ्रूण विज्ञान को इंग्लिश में एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, और इसके जो जनक है वो भी जो है आपके कौन है, तो ये जो है आपके अरस्तु जी ही है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है कि अरस्तु जी जो है भ्रूण विज्ञान के जनक है, तो फिर भ्रूण विज्ञान किसे कहते हैं, तो भ्रूण विज्ञान जो है वो युग्मनज जो है उससे, मतलब युग्मनज से भ्रूण
बनने तक, युग्मज से भ्रूण बनने तक जितनी अवस्थाएं होती है, जितनी अवस्थाएं अवस्थाएं होती है, जितनी अवस्थाएं होती है उसके अध्ययन को, उसके अध्ययन को कहेंगे भ्रूण विज्ञान, अध्ययन को कहेंगे भ्रूण विज्ञान। ध्यान रखिए कि भ्रूण विज्ञान किसको कहेंगे, तो युग्मनज से भ्रूण बनने तक जितनी भी अवस्थाएं होती है उन सभी अवस्थाओं के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भ्रूण विज्ञान। ध्यान दे लीजिएगा कि ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल हो। वैसे मैं आपको इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि ध्यान से फिर से समझ लीजिए कि जीव विज्ञान किसको कहते हैं, तो जीव विज्ञान जो है उसका इंग्लिश बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग का मतलब होता है सजीव और टू स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अगर आप इसको इंग्लिश में परिभाषित करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि लिविंग थिंग के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अगर हिंदी में परिभाषित करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो वहाँ पे जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान के जनक कौन थे, तो अरस्तु थे, इनको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है। ये सिर्फ जीव विज्ञान के ही जनक नहीं थे, ये प्राणी विज्ञान के भी जनक थे। प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहा जा रहा है जाता है और जूलॉजी के जो आपके जनक थे वो अरस्तु जी ही थे। भ्रूण विज्ञान जो है, भ्रूण विज्ञान को इंग्लिश में एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, इनके भी जनक जो थे वो कौन थे, तो अरस्तु जी थे। अब भ्रूण विज्ञान की परिभाषा कैसे दिया जाए, तो युग्मनज से भ्रूण बनने तक जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उन सभी अवस्थाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो भ्रूण विज्ञान कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है इसमें हम आगे पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला जो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो यहाँ पे जीव विज्ञान शब्द किसने दिया उसके बारे में जानेंगे। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी थे, लेकिन जीव विज्ञान शब्द जो है वो किनके द्वारा दिया गया है, तो वो लैमार्क के द्वारा दिया गया है। और एक वैज्ञानिक है उनके द्वारा दिया गया है, ट्रीवीरेनस। दो वैज्ञानिक थे, ट्रीवीरेनस। ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द को दो वैज्ञानिकों ने दिया था, लैमार्क और ट्रीवीरेनस ने दिया था, ट्रीवीरेनस ने दिया था। ध्यान रखिएगा कि जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु जी है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द को जो है अरस्तु जी ने नहीं दिया था, लैमार्क ने दिया था और ट्रीवीरेनस ने दिया था। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है जीव विज्ञान शब्द को दिया था। तो चलिए अब चैप्टर जो है हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर के बारे में अब यहाँ से हम जानकारी लेंगे। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर का नाम है आपका क्या, तो जीवों में जनन, जीवों में जो जनन है चैप्टर का नाम है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वन है जिसका नाम है जीवों में जनन। चैप्टर जो है, इस चैप्टर के नाम से पता चलता है कि हमें यहाँ जो पढ़ना है वो जीव में जनन किस प्रकार से होता है, इस सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है कि जीवन की उत्पत्ति। हमको जीवों के बारे में पढ़ना, उससे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीवों की उत्पत्ति। जीवों की उत्पत्ति से मतलब क्या हुआ, जीवों की उत्पत्ति से मतलब के क्या हुआ कि जीव कहाँ उत्पन्न हुए, कब उत्पन्न हुए, इसके बारे में जो हमें जानकारी लेना है उसी के बारे में यहाँ पे। तो जीवों की उत्पत्ति जो है वो सबसे पहले जो है 4,000 से 4,500 मिलियन वर्ष पूर्व कहाँ देखा गया था, तो आदि सागर में, आदि सागर में,
मतलब कि जीवों की उत्पत्ति के बारे में अगर हम जानते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जीवों की उत्पत्ति कहाँ हुआ था। तो जीवों की उत्पत्ति जो है 4000 से 4500 मिलियन वर्ष पूर्व आदि सागर में देखा गया था। सबसे पहले जो जीव देखा गया था वो आपको आदि सागर में देखा गया था और 4000 से 4500 मिलियन वर्ष पूर्व देखा गया था। इसके बाद यहाँ पे है कि आप जीवों के बारे में तो जान गए कि जीव की उत्पत्ति कहाँ देखा गया था। अब यहाँ पे ये बात क्वेश्चन आती है कि अभी जो है फिलहाल जो मौजूद टाइम है या वर्तमान समय है, इस समय में पृथ्वी पर कुल कितनी प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। तो लगभग जो है वो 3 करोड़ प्रजाति जो है वो अभी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि जीवों की उत्पत्ति के बारे में क्या है, तो जीवों की उत्पत्ति को कैसे पता है, तो 4000 से 4500 मिलियन वर्ष पूर्व सबसे पहले जो है आदि सागर में जीवों को देखा गया था और जीव की अभी वर्तमान जो प्रजाति है वो लगभग 3 करोड़ है। 3 करोड़ प्रजाति जो है वो अभी भी पृथ्वी पर पाई जाती है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ताकि आपको जो है रिवीजन करने में बहुत ही मदद मिले और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जो आपको एक पूरी तरीके से समझ में आए और मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्लास मिस मत कीजिएगा। रेगुलर बेसिस पे क्लास होगा, रेगुलर बेसिस पे आप क्लास लेते रहिएगा। मैं इन सारे चैप्टर को पार्ट वाइज कम्प्लीट करके दूंगा ताकि कोई भी वीडियो लंबा ना हो। थोड़ा सा ये वीडियो ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि आपका पूरा डिटेल्स में मैं जा रहा हूँ और यहाँ से आप बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या आप ट्वेल्थ का एग्ज़ाम की तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प से अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। तो चलिए इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए और कॉपी पेन लेके बैठेगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको वो आप ज़रूर इसको राइट डाउन करते चले और अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो है जीवों में समानता है। सभी जीवों में कुछ ना कुछ समानताएं होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है जनन जो है लैंगिक हो या अलैंगिक हो, उन सभी जीवों में समानताएं पाई जाती है। मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ तो क्या क्या समानताएं पाई जाती है। तो ये जो आपको समानता है कि सबसे पहला समानता ये है कि इनकी जो आपका शरीर की को जो है शरीर जो है वो बना किससे होता है, तो शरीर जो है वो कोशिका से बने होते हैं। शरीर जो है वो कोशिका से बने होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सभी जीवों का शरीर जो है वो किससे बना होता है, तो कोशिका से बना होता है। पहली समानता ये है। दूसरी समानता क्या है, तो सभी जीवों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सभी जीवों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों को जो है वो ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इनमें वंशागति गुण मौजूद होते हैं। मैं इसको अभी डिटेल्स में समझाने वाला हूँ कि वंशागति गुण क्या होता है। उसके बाद जो है इनमें वृद्धि का गुण होता है। इसके अलावा जो है आपका जनन का गुण होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं चारों पांचों चीज़ों को समझाने वाला हूँ जो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि सभी जीव जो है या वो लैंगिक जनन से जन्म लिए हैं या अलैंगिक जनन से जन्म लिए, उन सभी में कुछ ना कुछ समानताएं होती हैं। मैं उन्हीं समानताओं को बता रहा हूँ। पहला जो है वो शरीर कोशिका से बने होते हैं। सभी जीव जो है वो कोशिका से बने होते हैं, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे पहला समानता है कि वो जीवों के शरीर में जो कोशिका मौजूद होते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि जितने भी जीव हैं वो सभी जीव जो है कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा जो है कि वंशागति गुण मौजूद होते हैं। वंशागति गुण का मतलब क्या हुआ कि अपने वंश को चलाने के लिए उनमें आनुवांशिक पदार्थ जो मौजूद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो वंशागति गुण। ये
अपने बच्चे को जन्म देते हैं, फिर वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है वंश को वो आगे बढ़ाते रहते हैं, इसी को कहते हैं वंशागति गुण। उसके बाद है वृद्धि का गुण। प्रत्येक जीव जब जन्म लेते हैं तो वो बढ़ते हैं, या वो अलैंगिक जनन से जन्म ले या लैंगिक जन्म से जन्म ले, तो दोनों तरीके से जन्म लेने वाले जीव जो है वो वृद्धि करते हैं। उसके बाद है जनन का गुण। जनन का गुण मतलब ये इनको अपना वंश बढ़ाने के लिए ये जन्म जनन का गुण होता है, ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं, चाहे वो लैंगिक जनन में हो या अलैंगिक जन्म हो। ये सारी समानताएं हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव जो है कि क्या करता है, क्या क्या समानताएं होती है कि लैंगिक जनन से जन्म लिए हुए जीव और अलैंगिक जनन से जन्म लिए हुए जीव में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या कॉमन फैक्टर्स है। तो ये कॉमन फैक्टर्स है कि शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना होता है, दूसरा जो है सभी जीव जो है उनको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तीसरा जो है वंशागति गुण मौजूद होते हैं, डीएनए और आरएनए के रूप में जो है वंशागति गुण मौजूद रहते हैं और अनुवांशिक पदार्थ मौजूद रहते हैं, स्वयं वृद्धि का गुण होता है उन सभी में, और तीसरा अगला जो है वो है जनन गुण होता है। ये लोग अपने जैसे नए संतान को जन्म देने की क्षमता रखते हैं, इसी को जनन गुण कहा जाता है। अब पढ़ना जो है कि जीवों में विभिन्नताएं, जीवों में विभिन्नताएं, अब इन जीवों में क्या विभिन्नताएं होती है, विभिन्नताएं मतलब क्या अंतर होती है। अगर जीवों में समानता है कि सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, तो उसी तरीके से क्या अंतर हो सकता है। तो अंतर जो है कि संरचनाएं, संरचना, संरचना जो है वो भिन्न होती है। उसके बाद जो है इनका आकार या स्वभाव जो है, स्वभाव जो है वो इनका भिन्न होता है। इसके अलावा जो है स्वभाव के अलावा कि कायिक की भिन्नताएं होती है। कायिक मतलब कि यहाँ पे बनावट लिख लीजिए, शरीर का बनावट जो है या अंग जो है वो भिन्न होते हैं। उसके बाद जो है इनका कि इनका जीवन अवधि, जीवन अवधि या जीवन काल, जीवन अवधि या जीवन काल जो है वो भी इनका भिन्न होता है। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ कि जीव में विभिन्नताएँ क्या होती है, जीवों में जो है वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सभी जीव का संरचना जो है वो अलग अलग होगा, उसके बाद स्वभाव जो है वो आपका उनका अलग होगा, उसके अलावा जो उनका बनावट हो या उनका अंग जो होगा वो अलग होगा, फिर जीवन अवधि उनका अलग होगा। अब जीवन अवधि मतलब कि वो जब तक जिंदा रहे, इसका जो अवधि है वो हर एक जीवों का अलग अलग होता है। तो ये जो है उनके विभिन्नताएँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आप इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, चलिए मैं फिर आगे बता रहा हूँ, चलिए स्क्रीन शॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो है पहला क्वेश्चन, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका क्वेश्चन का नाम है जीवन अवधि किसे कहते हैं, जीवन अवधि, जीवन अवधि या जीवन काल, इंग्लिश में इसको कहते हैं लाइफ स्पैन। देखिए इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पैन। जीवन अवधि या जीवन काल किसको कहेंगे, तो किसी भी जीव का, किसी भी जीव का जन्म से लेके उसके मरने तक के समय को जीवन अवधि कहेंगे। मरने तक में ध्यान रखना है कि आपको प्राकृतिक मृत्यु मीन्स क्या हुआ कि जब कोई जीव जन्म लेता है और अपना वो पूरा जीवन जी के प्राकृतिक मृत्यु मरता है तो उसको हम क्या कहेंगे, जीवन अवधि कहेंगे। तो जीवन अवधि का जो परिभाषा हो जाएगा कि कोई जीव जन्म से, या आप इस तरीके से कहते हैं जीवों के जन्म से प्राकृतिक, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहेंगे, जीवन अवधि कहेंगे। मतलब कि कोई भी जीव जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या कहेंगे, तो जीवन अवधि कहेंगे। चलिए इसके अलावा क्या है कि सभी जीवों का, सभी
जीवों का जीवन अवधि, जीवन अवधि अलग अलग होता है। सभी जीवों का जीवन अवधि जो है वो अलग अलग होता है। ये क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी जीव है उसका जीवन अवधि अलग अलग होता है, वो उसके आकार पे निर्भर नहीं करता है। छोटा जीव है वो भी ज़्यादा दिनों तक जी सकता है, या बड़ा जीव है तो वो भी कम दिनों तक जी सकता है। इसे इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, तोता। तोता जो है, पैरोट जो है, उसका जीवन अवधि जो है वो 140 वर्ष है, लेकिन वहीं पे कौवा जो है उसका जीवन अवधि 15 वर्ष है। तो इस तरीके से हम अच्छे से जान सकते हैं कि जीवन अवधि जो है किसी भी जीव के जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं, और हरेक जीवों का जीवन अवधि जो है वो अलग अलग होता है। ये जीवन अवधि उनके आकार के ऊपर निर्भर नहीं करता है। चलिए इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए मैं आपको सभी जीवों का जीवन अवधि जो है मैं उसका आपको चार्ट डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको सारा चार्ट डाल दूंगा, इसमें आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो मैं हेडिंग आपको डाल रहा हूँ कि सभी जीवों की अवस्थाएं। अब ये जो जीव हैं इनकी अवस्थाएं होती हैं, जीवों की अवस्थाएं। अब जीवों की अवस्थाएं को हम मैं बहुत ही आसानी से समझाने जा रहा हूँ कि जीवों की अवस्थाएं क्या होती हैं। तो कोई भी जीव जन्म लेता है तो वह उस समय बाल्य अवस्था में होता है। जब वह जन्म लेने के बाद जब वयस्क होता है, तो वयस्क जब होता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं, या तो वयस्क अवस्था कह सकते हैं या उसको जनन अवस्था कहते हैं, प्रजनन अवस्था कहते हैं। और उसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है आपका वृद्ध अवस्था, और वृद्ध अवस्था के बाद जो होता है वो मौत होती है। तो यहाँ पे जो अवस्थाएं जो होती है वो तीन हो जाएंगी। पहला है बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था। दूसरा जो हो जाएगा आपका वो प्रजनन, प्रजनन अवस्था। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वृद्ध अवस्था। मैं इसको फिर से आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। बाल्य अवस्था जो बच्चे होते हैं वो बाल्य अवस्था में, बच्चे जब जन्म लेते हैं शिशु के रूप में होते हैं तो वो बाल्य अवस्था कहलाता है। उसके बाद प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था किसको कहते हैं, तो जब वो वयस्क हो जाते हैं और अपने जैसे नए जीव को जन्म दे सकते हैं तो उसको प्रजनन अवस्था कहते हैं। और तीसरा हो गया वृद्ध अवस्था, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, वृद्ध अवस्था कहते हैं। चलिए इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट जो मैं आपको समझाने जाने वाला हूँ वो समझा रहा हूँ मृत्यु। मृत्यु किसको कहते हैं, मृत्यु, मृत्यु किसको कहते हैं। तो जब कोशिका जो है वो निष्क्रिय हो जाती है। अब ये कैसे पता चला निष्क्रिय हो जाती है, तो देखिए जीव किस चीज से बना होता है, तो जीव जो है वो आपका कोशिकाओं से बना होता है। और जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, एक बहुकोशिकीय जीव और एक एक कोशिकीय जीव। तो जीव जो है वो कोशिकाओं से बने होते हैं, यदि उनका कोशिका सक्रिय है तो वो जीवित है, और उनका कोशिका निष्क्रिय हो गया मतलब कि कोशिका जो है वो काम करना बंद कर देता है तो वो क्या हो गया कि मौत हो गया, तो मृत्यु हो गया। तो मृत्यु क्या है, तो कोशिका, कोशिका के निष्क्रिय, कोशिका के निष्क्रिय होने की अवस्था, कोशिका के निष्क्रिय होने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। और जीवन किसको कहते हैं, जीवन किसको कहते हैं, तो कोशिका के, कोशिका के सक्रिय अवस्था को, कोशिका के सक्रिय अवस्था को क्या कहते हैं, तो जीवन कहते हैं। मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी जीव है इस पृथ्वी पे वो किस चीज़ से बने हुए हैं, तो कोशिका से बने हुए हैं। और कोशिका काम कर रही है तो वो सक्रिय है,
और कोशिका सक्रिय है तो वो जीवित है, मतलब वो जिंदगी में है, मृत्यु उसको नहीं हुआ है किसी भी जीव का। लेकिन यदि कोई जीव की कोशिका जो है वो काम करना बंद कर देती है, निष्क्रिय हो जाती है, तो वो जीव जो है वो मर जाता है और वो मृत्यु, उसे मृत्यु कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जीव जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जीव जीवों के प्रकार। तो जीव जो है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, जीव जो है ध्यान दीजिए, जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा जो होते हैं वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, तो वैसा जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन होंगे, एक कोशिका से बने जीव को जो है एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जो है आपका वो है अमीबा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है वो क्या है, अमीबा। और बहुकोशिकीय जीव जो है एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। और इसका उदाहरण जो है मनुष्य, जानवर, ये सारे जो है आपका के बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण है। चलिए इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूँ। अब जो है मैं आपको जनन पढ़ाने जा रहा हूँ, एक कोशिकीय जीव के बारे में हमने पढ़ा। अब चलिए जनन स्टार्ट हो रहा है। जनन, जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं, तो जब कोई जीव अपने जैसा नए जीव या संतति, जब कोई जीव अपने जैसा नए जीव या संतति को जन्म देता है, जब कोई जीव जो है अपने जैसे नए जीव या संतति को जन्म देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन जो है, जनन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो है अलैंगिक जनन, और दूसरा जो है आपका वो है लैंगिक जनन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जनन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। और जनन के जो दो प्रकार हुए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो लैंगिक जनन को कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहेंगे। ध्यान दीजिए कि जनन किसको कहते हैं, तो जब कोई जीव अपने जैसा नए जीव या नए संतति को जन्म देता है तो उसको हम कहते हैं जनन। जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए अब इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं कि अलैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं फिर आपको आगे बताऊँ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपको अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में जो है एक जनक होते हैं, एक जनक
होते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका कि इसमें जो है युग्मक, युग्मक संलयन नहीं होता है, युग्मक संलयन जो है आपका नहीं होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे युग्मक संलयन नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होता है तो समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है तो गुणन की इसमें तीव्र विधि होती है, गुणन की तीव्र विधि है, गुणन की तीव्र विधि है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ क्या है तो संतति जो जन्म लेते हैं, जो जीव जन्म लेते हैं वो आकार रचना और लक्षण से अपने जनक के समान होते हैं। तो यहाँ पे जो है जनक के समान होते हैं, जो जनक के समान होते हैं मतलब कि आपको यहाँ ध्यान से ये समझना है कि अलैंगिक जनन में क्या क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में एक जनक होते हैं, मतलब कि अलैंगिक जनन में जो अपने जीव को, अपने जैसे नए जीव को जो जन्म देते हैं उसके जनक एक होते हैं। और यहाँ पे जो होता है युग्मक संलयन नहीं होता है। युग्मक संलयन क्यों नहीं होता है तो जब नर और मादा, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में मिलते हैं तो भ्रूण बनता है और वहीं संलयन होता है। तो यहाँ पे तो जनक जो है वो एक है, तो जब एक जनक है तो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन नहीं होगा तो संलयन नहीं होगा, तो संलयन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि युग्म संलयन इसमें नहीं होता है। और इसमें जो जीव जन्म लेते हैं वो समसूत्री विभाजन द्वारा लेते हैं, मतलब कि जीव जो है नए जीव को जो उत्पन्न करता है उसमें जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। इसमें गुणन की तीव्र विधि होती है, तेजी से गुणन होता है। और जनक के समान जीव होते हैं, मतलब जनक के समान होते हैं। जनक के समान का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो जीव जन्म लेंगे वो आकारीय रूप से और आपके जो है लक्षण से अपने माता पिता के, अपने जनक के जो है वो समान होंगे। चलिए अब आपको पढ़ाता हूँ मैं अलैंगिक, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, अलैंगिक जनन के जो है प्रकार के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अलैंगिक जनन के जो है ये निम्नलिखित प्रकार है। पहला जो है आपका खंडन, खंडन, खंडन को इंग्लिश में जो कहते हैं वो है फीजन। खंडन को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो फीजन कहते हैं। दूसरा जो है वो है आपका मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन को इंग्लिश में टोरुलेशन, टोरुलेशन या बडिंग कहते हैं, टोरुलेशन या बडिंग कहते हैं। उसके बाद जो है आपका वो है बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण को जो है वो क्या कहते हैं तो बीजाणु निर्माण को कहते हैं एस्पोरुलेशन, एस्पोरुलेशन। इसके बाद जो है आपका कि पुनरुद्भवन, 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 पुनरुद्भवन को रीजेनरेशन कहते हैं, रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन को कहते हैं रीजेनरेशन। उसके बाद आपका है खंडन, खंडन, यहाँ पे जो होगा आपका विखंडन होगा, ध्यान दीजिएगा विखंडन, विखंडन को इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। उसके बाद जो है खंडन, खंडन को जो है फ्रैगमेंटेशन, खंडन को क्या बोलते हैं तो खंडन को बोलते हैं फ्रैग मेंटेशन, इंग्लिश में खंडन को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन को जो है इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा कि अलैंगिक जनन के जो है निम्नलिखित प्रकार है, विखंडन, विखंडन को इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं, मुकुलन, मुकुलन को टोरुलेशन या बडिंग कहते हैं, बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण को इंग्लिश में स्पोरुलेशन कहते हैं,
पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन को रीजेनरेशन कहते हैं, खंडन, खंडन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, और कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन को जो है वो कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो है आपका लैंगिक जनन का प्रकार है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।